दोस्तों आइए देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस पार्टिसिपेटिंग इन एनी बिड। किसी भी बिड में पार्टिसिपेट करने का जो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है वो आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो बेसिकली आपके पास हमेशा बहुत सी मेल्स आती रहती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए डिपार्टमेंट से, लेकिन खास बात इसमें ये है कि जिस भी प्रोडक्ट के लिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है या जो भी प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी में अवेलेबल हैं, ऐड हैं, पब्लिश हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स के पार्टिसिपेशन के लिए आपके पास बिड आएंगी। देखिए यहाँ पर मेल में मैं आपको बहुत सी आई हैं, जैसे यही मेल मैं देखता हूँ, यहाँ पर देखिए पूरा दिखाते हैं कि कैसे आपके पास मेल्स आती हैं पार्टिसिपेशन के लिए। तो देखिए जैसे इसके लिए हम अभी लॉगिन करने पहले अपना अकाउंट, ठीक है, बाकी अब देखिए यहाँ पर ये तो डैशबोर्ड है, इससे हमारा इसको तो बाद में यूज़ करेंगे। बाकी अभी हम देखिए यहाँ पर जाते हैं लिस्ट ऑफ द बिड में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए शो कर देता है लिस्ट ऑफ द बिड, बट यहाँ पर एम्प्टी नॉट रिकॉर्ड फाउंडेड, यहाँ पर अभी कोई भी बिड हमें नहीं दिखा रहा है। बाकी जो भी हमने किया था अब यहाँ पे हम उस बिट को सर्च करेंगे, आप कोई भी बिट नंबर डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने शो कर दिया है। इसके लिए अब हमें इसमें इस बिट में हमें पार्टिसिपेट करना है, तो इससे पहले हम इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के लिए देखिए यहाँ पे बिट नंबर जो दिया रहता है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे, और यहाँ पर हम इसको पूरा एक बार बहुत अच्छे से हम इसको रीड करेंगे, देखेंगे, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे ही हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारे पास हमारी कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है तो हमें उसको लिस्टेड करना पड़ेगा, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पार्टिसिपेट इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दूँ थोड़ा, इसमें मेन मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो होता है जैसे टर्नओवर मांगता है, ओईएम का टर्नओवर मांगता है, पास्ट एक्सपीरियंस मांगता है, सर्टिफिकेशन मांगता है, एमएसएमई मांगता है, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर सेलर, सेलर के लिए ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर, ओईएम एनुअल टर्नओवर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूरा एटीसी है, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। उसके पास स्पेसिफिकेशन दिया रहता है कि जो बायर होता है जिसको प्रोडक्ट चाहिए तो वो क्या करता है कि वो अपनी स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही इस डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करता है, और इसमें जो स्पेसिफिकेशन दिया रहता है उसके हिसाब से ही हमें फिर अपने प्रोडक्ट को रेडी करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस डॉक्यूमेंटेशन को, और जितनी भी बिड हैं आप सभी को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें कुछ दी हैं ऑप्शंस में, अब उसके बाद हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट वाला ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी दी है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिया रहता है, कहाँ पे जाना है, कंसाइनी ऑफिसर का नाम दिया रहता है, टर्म्स कंडीशन दिया रहता है, वही सारी चीज़ें जो यहाँ बिड में आपके जो डॉक्यूमेंटेशन हमने देखा था उस पे दिया रहता है, ठीक है। उस पे देखिए सारे पैरामीटर्स भी दिए रहते हैं, टेस्ट रिपोर्ट भी दी रहती है। तो एक बार जब आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें कैसे करनी है। उसके बाद देखिए हम पार्टिसिपेट पे गए, अब देखिए पार्टिसिपेट पे जैसे ही हम गए यहाँ पर
उसने हमारी उसकी जो बिड में रिक्वायरमेंट थी वो और हमारा जो प्रोडक्ट ऐड था वो दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन थी सेम थी, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स वो हमको शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में पैरामीटर्स कुछ दिए हैं, तो ये जो येलो कलर का है ये गोल्डन पैरामीटर्स हैं, तो इसके हिसाब से ही वो हमारे प्रोडक्ट को सर्च करता है। अब आप और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर हमारी कैटेगरी में ऐसा कोई प्रोडक्ट ऐड होता, मान लीजिए यही ऐड होता, बट इसकी जो पैरामीटर्स हैं और जो गिवेन है बिड में जो रिक्वायरमेंट है जो मांगी गई है उसकी जो पैरामीटर्स हैं या जो उसकी रिक्वायरमेंट है अगर मैच नहीं करते तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट शो नहीं करता है। और अगर शो नहीं करता तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता, तो अभी करना पड़ता है यहाँ पे आप देखिए क्लिक हियर इफ़ यू वॉन्ट टू अपलोड ए न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको एक नया प्रोडक्ट ऐड करना पड़ता अकॉर्डिंग टू गिवन रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट मांगी गई है बायर की तरफ से, अकॉर्डिंग टू बायर उस प्रोडक्ट को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ता। ऐड करने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो बायर की रिक्वायरमेंट है वो और जो सेलर की जो सेलर का प्रोडक्ट है वो, उन दोनों का पैरामीटर्स या गोल्डन पैरामीटर्स जिनको हम बोलते हैं वो आपस में मैच करना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर शो करेगा। ये एक समरी है, ये बहुत कॉमन और मोटी मोटी बात है कि ये बात अगर कभी आप पार्टिसिपेट पे जाएं और यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट ना शो करे तो मैं उस कंडीशन के बता रहा हूँ कि फिर हमें नया प्रोडक्ट ऐड करके ही हम उस पे पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये चार पांच प्रोडक्ट हमें दिखा रहा है, तो हम इसमें से किसी भी प्रोडक्ट को ले लेते हैं और उसको हम उस पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम चूज दिस आइटम कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ गया सारी चीज़ें, यहाँ पे कंसाइनी आ गया, प्रोडक्ट टाइटल आ गया, प्रोडक्ट मेल आ गया और मॉडल आ गया, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं सारे, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है और सेव टू कंटिन्यू कर देते हैं, सेव करके हम इसको आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से फिर कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए टेक्निकल विड ग्रीन हो गया, मतलब एक स्टेप हमारा पूरा हो गया, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है Q3 का प्रोडक्ट है इसमें यूनिट प्राइस मांगता है, यूनिट प्राइस मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे 4000 मांगा है जो उनकी क्वांटिटी है 4000 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूनिट प्राइस डालेंगे, यूनिट प्राइस मीन्स एक का हम डालेंगे, सिंगल आइटम का, आइटम 1 भी लिखा है देखिए यहाँ पे, जैसे सिंगल आइटम हम कितने में देना चाहते हैं, मान लीजिए हम 40 रुपीज़ में इसको देना चाह रहे हैं, ठीक है, और इस पे जो परसेंटेज है वो 5% का GST है, ठीक है, GST क्लास 1, GST क्लास 2, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, ये डिपेंड करता है स्टेट्स पे कि कहाँ पे किस स्टेट में कितना GST लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 5% का GST है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप वो करेंगे सारी चीजें डाल देंगे तो वो क्या करता है ऑटो कैलकुलेट करता है, तो वो ऑटो कैलकुलेट करके GST जोड़ के सारा सब कुछ वो आपको क्या करता है वो वहां पे प्राइस को शो कर देता है। देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल प्राइस 1,60,000 रुपीज, तो ये यहाँ पे क्या होता है सो, अब यहाँ पे हम सो एस्टिमेटेड प्राइस भी देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा उसने कैसे कैलकुलेट किया है, उसने सारा सब कुछ यहाँ पर उसने आपको एस्टिमेटेड प्राइस दिखाया है, एस्टिमेटेड प्राइस
बहुत ज़रूरी होता है, उसमें सारा सब कुछ हमको आइडिया लगता है कि जो हमने बिड डाली है वो हमारा इस्टीमेटेड प्राइस है। ऐसा तो नहीं कि हमने जो प्राइस डाला है वो हमारे इस्टीमेटेड प्राइस से कम हो, या जो प्रोडक्ट हमें देना है वो ऐसा तो नहीं कि हमें वो महंगा मिले और हम यहाँ पे सस्ता डाल दें जिससे कि हमें फिर उसमें लॉस हो या घाटा हो सकता है। इसीलिए इस्टीमेटेड प्राइस को देखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से आप देखिए, प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इनक्रिप्ट एंड सेव का ऑप्शन जो आ रहा है, इनक्रिप्ट, हमें इनक्रिप्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि जो हम प्राइस डाल रहे हैं वो इनक्रिप्ट हो जाता है। ओके करेंगे यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए टेक्निकल बिड के बाद ऑफर प्राइस भी कंप्लीट हो गया, हमने ऑफर प्राइस देखी। अब जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का आता है। इसीलिए मैंने आपको देखिए जब यहाँ पे बिड मैंने दिखाया था तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेलर, सेलर के द्वारा कौन कौन सी, बायर के द्वारा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को मांगे गए हैं, रिक्वायर्ड फॉर सेलर, समझ रहे हैं आपकी। अब यहाँ पे इसीलिए ये डॉक्यूमेंटेशन देखना हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसके हिसाब से ही हम, उसके हिसाब से ही हम अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। देखिए जैसे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या होता है। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मतलब होता है कि आज तक में जितना भी हमने काम किया है, आज तक में जितना भी हमने काम किया, चाहे वो प्राइवेट संस्था के लिए हो, चाहे सरकारी संस्था के लिए हो, किसी भी तरह की संस्था के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, मतलब ओवरऑल हमारी कंपनी का जो एक्सपीरियंस होता है वो हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया है पास्ट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर आप लोग बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को समझ लीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया और पास्ट परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस होता है। लगते दोनों एक से ही हैं बट डिफरेंस होता है। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में हम अपने फर्म का या अपनी कंपनी का ओवरऑल एक्सपीरियंस शो करते हैं, और पास्ट परफॉर्मेंस में क्या होता है, पास्ट परफॉर्मेंस में हम वो डॉक्यूमेंट लगाते हैं जो हमने स्पेशली इसी कैटेगरी के लिए काम किया हो। मान लीजिए मैंने जूट बैग का मैं बिड भर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जब हम इस पे पास्ट परफॉर्मेंस के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो जिस चीज़ की बिड हम भर रहे हैं, जिस कैटेगरी में हम भर रहे हैं, सिर्फ उसी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे अगर मैंने जूट बैग का बिड भरा है तो सिर्फ जूट बैग के ही जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, सिर्फ मैं वही यहाँ पे लगाऊंगा। और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में किसी भी फर्म का मैं लगा सकता हूँ, या किसी भी जगह पे जहाँ पर भी मैंने काम किया है वहाँ पे लगा सकता हूँ। जैसे अगर मैंने ये किसी बुक की बिट होती, ठीक है, या स्टेशनरी की बुक बिट होती, तो स्टेशनरी में जितना मैंने परफॉर्मेंस किया या जितना मैंने काम किया या जिन संस्थानों में, सिर्फ स्टेशनरी का ही मैं यहाँ पे लगा था। बिडर टर्नओवर में बहुत सी कंडीशंस होती हैं कि कुछ कुछ होता है कि ऑडिट बैलेंस शीट मांगते हैं, कहीं कहीं सिर्फ टर्नओवर मांगते हैं, या सीए सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बिड पे। जब आप उसका यहाँ पे सारा देखेंगे, उसने वो यहाँ पे आपको बताएगा कि स्टार्टअप एक्सपीरियंस एनुअल टर्नओवर पासवर्ड टर्नओवर, तो ये यहाँ पर अगर वो कहता है आपको 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगता है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओईएम एनुअल टर्नओवर, अब यहाँ पर ओईएम का मतलब समझिए, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, एनुअल टर्नओवर। अब यहाँ पर ओईएम मांगा जाता है, ठीक है, ओईएम, ये तो हम रीसेलर हैं भाई। देखिए जैसे कोई बड़ा ब्रांड होता है या बड़ा प्रोडक्ट होता है, वो सब लोग तो बनाते नहीं है, सिर्फ ओईएम उनको बनाता है। तो ओईएम जो भी होता है तो उस सबसे पहले तो उससे हमें अथॉरिटी लेनी पड़ती है उसका प्रोडक्ट सेल करने के लिए, फिर उसका एक टर्नओवर होता है। तो जैसे जो जो भी बड़ी फर्म्स होती हैं, जैसे उन सब का टर्नओवर क्या है कि उनकी साइट्स पे
ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है इजीली। जैसे आपको यूनिलीवर का चाहिए, महिंद्रा का चाहिए, टाटा का चाहिए, किसी भी उसका आपको चाहिए टर्नओवर, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपनी ईयरली बैलेंस शीट को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। अब देखिए सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन ATC, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। रिक्वेस्टेड इन ATC, एडिशनल टर्म्स कंडीशन, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें ATC बनानी पड़ती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ATC कैसे बनाते हैं वो आपको दिखा दूँ। ये देखिए रिक्वेस्टेड इन ATC, यहाँ पर इसमें नहीं दी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है बायर एडेड बिड स्पेसिफिकेशन टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पर इसने जो भी लिखा है क्या करते हैं हम लोग कि इसको कॉपी करके अपने जो भी हमारा कंपनी का लेटर हेड होता है उस पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर अपनी कंपनी का स्टैम्प और साइन करके उसको स्कैन करके हम यहाँ पे उसको अपलोड कर देते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और देखिए यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पर वो दिखाता भी है मैक्सिमम 2 MB की फाइल है, जैसे चूज फाइल मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, विदर टर्नओवर में इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पे सारी फाइल्स बहुत इजीली अपलोड हो जाती हैं। ITR कर दिया, ATC कर दिया। ठीक है, ये देखिए सारे मैंने डॉक्यूमेंट कर दिए। नो बाय डिफॉल्ट आएगा, हम इसके OEM नहीं हैं। बाकी अब आप यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पर देखिए EMD का मतलब होता है कि जैसे जो कुछ बड़े टेंडर्स होते हैं उनमें EMD जो लोग मांगते हैं कुछ सिक्योरिटी अमाउंट मांगते हैं। EMD मतलब सिक्योरिटी अमाउंट होता है। जैसे बड़े कुछ टेंडर्स होते हैं गवर्नमेंट के जो करोड़ों रुपए के होते हैं तो उनमें क्या होता है कि ये लोग सिक्योरिटी मनी मांगते हैं EMD, जिससे कि क्या है कि अगर हमें काम नहीं करते हैं, अगर हम उस चीज़ को नहीं कर पाए उनके काम को, तो क्या करते हैं वो लोग उसको जब्त कर लेते हैं या डिपॉजिट कर लेते हैं, वो हमें वापस नहीं मिलती है। तो इसीलिए जो बड़े काम होते हैं उनके लिए ही होता है। बाकी नॉर्मल्स काम जो होते हैं 2 लाख 4 लाख 10 लाख के होते हैं उनमें EMD जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट स्टेप जो है वेरीफाई OTP। तो यहाँ पर देखिए आप बहुत से 3 तरीके दे रहे, वेरीफाई विद OTP, वेरीफाई ईसाइन, वेरीफाइड विद DSC। सबसे जो सरल तरीका होता है वेरीफाइड विद OTP होता है, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे वो OTP जाता है। देखिए यहाँ पे आगे मैं वेरीफाई करूँगा और ये देखिए यहाँ पे वेरीफाई मैंने किया, पूरा कंप्लीट हो गया, हमारी बिट पूरी पार्टिसिपेट हो गई, सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखिए ग्रीन हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए सारे ऑप्शन हो गए हैं, अब हमें कुछ नहीं करना। वेरीफाई OTP इज साइन पब्लिश्ड। अब यहाँ पर देखिए हम डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, जो हमारा फाइनल सबमिशन है उसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड होता है। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर इसने दिखा रखा है, क्या क्या हमने डॉक्यूमेंट रखा है, क्या क्या हमारी यूनिट प्राइस है, क्या क्या एक्सपीरियंस, जो भी हमने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं वो सारे यहाँ पर वो दिखाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको अपने पास आप सेव कर लीजिए, जिससे कि जब भी वो होगा तो आपको देखने में इजी रहेगा कि हमने कौन सा बिड भरा था, कौन सा। बाकी इसमें ऑफर प्राइस है, ये सारी चीज़ें इनक्रिप्टेड होता है। यहाँ पर देखिए ये सब इनक्रिप्टेड है, यहाँ पर ये देखिए सब इनक्रिप्टेड है, ये इनक्रिप्टेड है, प्राइस शो नहीं करता, इनक्रिप्टेड रहता है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो करता है। तो देखिए ये जो था एक कम्प्लीटली पार्टिसिपेशन था इन बिड। ठीक है, एक पूरी तरह से हमने हमें किसी भी बिड में कैसे पार्टिसिपेट करना है। एक इसमें और ऑप्शन आता है विड्रॉल बिड का, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे कि ये विड्रॉल बिड होती क्या है, इसको कैसे करते हैं, इसका कारण क्या है, हमें ये क्यों करना चाहिए। तो ये बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिस
जब हमें कभी विड्रॉल बिट करनी पड़ती है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि कैसे हमने एक बिट में पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ उस बिट के पार्टिसिपेशन का। देखिए यहाँ पे जो भी बिट्स होती हैं वो सारी पार्टिसिपेशन में आ जाती हैं। ठीक है,